बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया तेज मात्र की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज से पीएसटी के बारे में थोड़ा सा काम करते हैं। कुछ पेपर्स हैं मेरे पास, उन तमाम को फुल पेपर को एक एक वीडियो में अपलोड करूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा। और सिर्फ इतना करना है दोस्तों आपने कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। और दूसरी बात, अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है इस चैनल का, मेरे दो चैनल है, एक एनटीएस टेस्ट मास्टर 1 एंड एनटीएस टेस्ट मास्टर नंबर 2, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, तो आप उसको चेक करोगे रोजाना तो आपको वीडियोस मिलती रहेगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर जरा नोट करें, 03466567708। तो आज का पेपर 2018 P1 पेपर है, फुल पेपर इन सिंगल वीडियोज हैं। आप चलते हैं, इंग्लिश का पार्ट है दोस्तों। दोस्तों बता तो चलूं कि पेडागॉजी पार्ट को हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि अब पेडागॉजी पार्ट नहीं हुआ करता। 2018 में पेडागॉजी पार्ट हुआ करता था, अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश पार्ट में ये पैसेज दिया गया है और आइंदा भी इसी तरह के पैसेज होंगे। आपने पेपर कैसे, बस दोस्त ऐसे हैं कि वो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि गुरु हो गए हैं, उनको सब कुछ पता है कैसे पेपर सॉल्व करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको फर्स्ट टाइम है, तो केयरफुली पेपर को रीड करना है और अच्छी तरह से फिल करना है वहां पर जो पेपर आपको दिया होगा, शीट दिया होगा। तो पहले पैसेज को थोड़ा सा पढ़ करते हैं। देखिए, ये पैसेज लिखा हुआ है कि एज यू अप्रोच द बाजार फ्रॉम द कैंटोनमेंट साइड, ये किसकानी बाजार का किस्सा है। तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपने जब पेपर करना है तो उसको सरसरी पढ़ना है जल्दी से, फिर क्वेश्चन की तरफ चलना है और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक फिर इस पैराग्राफ को रीड करना है। तो देखिये, हम जरा क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि ऑन द राइट आर द जनरल बुक शॉप प्रूट। अब इसी सेंटेंस को आपने पैराग्राफ में ढूंढना है, तो इसी तरह आपका क्वेश्चन सही तरह हल होगा। ये देखिए, ऑन द राइट यहां से लिखा हुआ है, ऑन द राइट आर जनरल मर्चेंट्स, तो उसमें देखिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शू मेकर्स मीन्स, शू मेकर्स का मतलब क्या है, शू मेकर्स को काबलर कहते हैं, जिसको हम मोची कहते हैं उर्दू में, ठीक है, पख्तों में भी उसको मोची हम कहते हैं, मोची वो तो आयू आ, तो इसमें काबलर्स इसके माने क्या है, काबलर्स ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि कप फॉर वेयर, एक देखिए वेयर के दो माने हैं, एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में आपने सुना होगा ना, तो ये वेयर WARE कप वेयर के माने आशिया है, काफिर के आशिया के माने क्या है दोस्तों, तो काफिर के आशिया के माने कॉपर यूटेंसिल्स हैं, कॉपर से बनी हुई चीज है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ल्ड टूरिस्ट का लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुआ, कहते इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब विजिटर्स है। कुछ क्वेश्चन बगैर पैराग्राफ पढ़े आप भी हल कर सकते हैं, जिस तरह ये विजिटर्स का क्या, टूरिस्ट का क्या मतलब है, कॉपर वेयर का क्या मतलब है, इस तरह की चीजें, काबलर के क्या मानी है, तो कॉमन सेंस से भी आप कुछ क्वेश्चन हल कर सकते हैं। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 देखे, क्वेश्चन नंबर 5, द टूरिस्ट टेक होम डिफरेंट आइटम हिज, टूरिस्ट जब आते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने घर साथ लेके जाते हैं, एज अ व्हाट, एज अ गिफ्ट के तौर पर लेके जाते हैं। कुछ चीजें नायाब चीजें होते हैं, वो किसी काम की नहीं, बंदे के काम का नहीं, लेकिन वो गिफ्ट के तौर पर अपने लिए या अपने प्यारों के लिए लेके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, 6 नंबर क्वेश्चन नंबर के देखे, आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट फ्रॉम, अब वो इस क्वेश्चन के लिए आपको पैराग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, कहां से लेफ्ट टू कम द कॉपर वेयर स्ट्रीट, आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट फ्रॉम,
तो देखिए जरा डायग्राफ की तरफ चलते हैं, तो इसमें कहां पर है आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट फ्रॉम को देखना पड़ेगा। आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट ये देखिए, ये आफ्टर टू द लेफ्ट फ्रॉम पिसखानी बाजार, पिसखानी उसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो इसलिए किस क्वेश्चन के लिए आपको वंस अगेन पैराग्राफ की तरफ चलना पड़ेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन डी किस्सखानी बाजार है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट। अब इसमें एक पैसेज दिया गया, उसमें अंडरलाइन अल्फाज दिए गए, उसको करेक्ट करना है। अंडरलाइन अल्फाज को मैंने कैपिटल बोल्ड लिखा हुआ है, जिस तरह ये देखिए ये वाला इसको देखा और इसी तरह ये वाला, ये तमाम बोल्ड और अंडरलाइन है। तो देखिए द ब्यूटिफुल वैली ऑफ काकान स्ट्रेचेस फॉर द नॉर्थ, ये फॉर नहीं लगना चाहिए, फ्रॉम लगना चाहिए इस तरह। ये तमाम अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके तरफ बार बार आएंगे कि कहां पर गलती है, किस गलती को कैसे करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन लिखा है कि द ब्यूटिफुल वैली ऑफ कागान स्ट्रेचेज। देखिए अब ये उसको वहां फार लिखा हुआ था, तो फार लफ्ज गलत है, फ्राम आना चाहिए। तो पहला करेक्शन हमने कर ली, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और दूसरे को देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि देयर आर स्मॉल एंड लार्ज फॉरेस्ट, देयर लार्ज एंड स्मॉल फॉरेस्ट इन द वैली आना चाहिए, वहां पर इन टू द वैली कुछ इस तरह लफज है। तो चलते हैं अगर देखे तो उसको जरा देखे पैराग्राफ को, देयर आर लार्ज फॉरेस्ट ऑफ द वैली लिखा, ऑफ लिखा हुआ, ये ऑफ नहीं आना चाहिए, इन आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, इन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, मैनी वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर को कहते हैं, चूंकि ये लफ्ज प्लूरल है तो यहां भी प्लूरल आना चाहिए। तो ऑप्शन सी को देखिए, आर, मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ कागान वैली, पैराग्राफ में इज लिखा हुआ है आई थिंक, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, द ऑफ दिस वैली इनहेबिटेंट का स्पेलिंग वहां पर गलत लिखा गया है, और इनहेबिटेंट्स वहां पर जो लफ्ज लिखा गया उसमें डबल टी लिखा गया है, एंड डबल टी इज रॉन्ग, इट इज सिंगल टी। इनहेबिटेंट्स रिहायशी को कहते हैं, द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस वैली हैव बिकम रिच एनफ टू कम्पीट विद द वेल्थी मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स ऑफ द बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान, यहाँ के रिहायशी काफी मालदार हैं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 11 नंबर क्वेश्चन को, द वैली अट्रैक्ट द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल, पैसेज में ऑल अबाउट आई थिंक लिखा हुआ है, जो भी लिखा है, लेकिन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आना चाहिए, फ्रॉम ऑल ओवर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखे, क्वेश्चन नंबर 12, द कागान वैली इज फेमस फॉर लश ग्रीन एरिया ऑफ शोग्राम एंड देयर, ये देयर लफ्ज स्पेलिंग गलत लिखा है, मैनी इंचेंटिंग लेक्स, तो ये देयर नहीं होना चाहिए, देयर स्पेलिंग गलत नहीं है, ये देयर का लफ्ज यहां गलत लिखा गया है, एंड इट्स मैनी इंचेंटिंग लेक्स आना चाहिए, इट्स क्योंकि बेजान है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 13 उसमें से, मिस द कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, 14 नंबर को आप सेंटेंस कंप्लीट करना है, दिस इज मोस्ट ब्यूटिफुल डिजर्ट आई हैव सीन, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल डिजीज, ठीक है। यहां पर लफ्ज
ता आना चाहिए. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल डिजर्ट आई हैव सीन. क्वेश्चन नंबर 14-15 देखे. 15 नंबर, ही रेन फास्ट एंड डिलिकेटली. फिक द वर्ब. वर्ब इसमें ये तो इजी है, रेन, रन और रेन. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर, आई विल बी हैविंग लंच विद हिम. मार्क द टेंस. कौन सा टेंस? आई विल बी हैविंग, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो विल का इस्तेमाल है और आई एन जी, तो कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. 17 नंबर देखिए, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस, द चाइल्ड फॉर द लव ऑफ मदर्स. द चाइल्ड आस्क्ड फॉर द लव ऑफ मदर. ऑप्शन डी लगेगा. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है. और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एंटोनिम ऑफ हेल्थ. हेल्थ रुक जाना, तो इसका रुक जाना और स्टार्ट शुरू करना. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 19 देखे, 19 नंबर क्वेश्चन को, आई हर्ड द इको इन द केव. चूज द फ्लोरल फॉर्म. चूज द फ्लोरल फॉर्म, तो इको, इकोज लगेगा. आई हर्ड द इकोज इन द केव. ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी है. एंड क्वेश्चन नंबर 20 देखे, 20 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, The invaders are. Invaders के मानी क्या है? Attackers. Option A. किसी पर चढ़ाई करना, attack करना. They are called invaders, attackers. और question number 21 देखिए, 21 number question. You will wait. I return. Fill in the blank with correct conjunction. You will wait till I return. Will you wait? क्या मेरे आने तक आप इंतजार करोगे? Will you wait till I return? Option C लगेगा. Yes, option C is the correct option. और क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 23-25 तक, इसमें से क्वेश्चन ये लग गया, आ गया 22, तो 22 नंबर क्वेश्चन मिस है इसमें. क्वेश्चन नंबर 23-25 तक, 23-25 तक इस पैराग्राफ से लिए गए हैं, इस पर बेस है. ठीक है, ये देखे, ये पैराग्राफ पढ़ना है. डिफरेंट सब्जेक्ट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, लेट अस टेक. तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ, फिर बाद में देखेंगे कि क्या है इसमें. क्वेश्चन नंबर 23 देखे, द एडवर्ब. एक होता है एडवर्ब और दूसरा एडवर्ब. एडवर्ब वो लफ्ज होता है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है. तो डिस्क्राइब द वर्ड, द वर्ब, और उसको एडवर्ब कहते हैं. यूज इन द अबव पैसेज इज इन द प्रेजेस. तो इसमें एडवर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, लर्निंग बाय हार्ट. लर्निंग बाय हार्ट इस पैसेज में अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. एक्सरसाइज, लेट अस टेक सब्जेक्ट. यू विल मेनी अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज एंड लिसन फॉर द कंपरिशन क्वेश्चन. द टीचर गिव प्रैक्टिसेस एक्सरसाइज दूस एंड लर्निंग अ लैंग्वेज. इट शुड बी रिमेम्बर द लर्निंग बाय हार्ट. ठीक है, दिस इज एडवर्ब. सीखना और सीखना, किस तरह सीखना? बाय हार्ट. तो ये एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है. क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन को, द टीचर गिव यू प्रैक्टिस थ्रू दीज एक्सरसाइजेज इन द यूज ऑफ न्यू वर्ड एंड सेंटेंस पैटर्न. द टेंस इन द अबाउट टेंस इज. तो इसमें कहते हैं कि कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है. ये देखिए, गिव्स इसका इजाफा है और इसको हम प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में इस तरह करते हैं. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. और क्वेश्चन नंबर 25 देखे, 25 नंबर क्वेश्चन को,
द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव पैसेज इज, वहां पर पैसेज में अंडरलाइन वर्ड कौन सा था? पैसेज में अंडरलाइन वर्ड एक्सरसाइजेस क्या था? तो एक्सरसाइजेस क्या है? एक्सरसाइजेस क्या है ये इसमें देखिए, द वर्ड प्रीपोजिशन तो नहीं है, प्रोवर्ब भी नहीं है, कंजक्शन नहीं है, तो ये डेफिनेटली काउंटेबल नाउन है। एक्सरसाइजेस को हम गिन सकते हैं, तो डेट इज काउंटेबल नाउन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। मैथमेटिक्स पोर्शन थोड़ा सा लेंथी होगा दोस्तों, आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को पूरी देखना है। इसके मैं सिर्फ आपको हैंड्स बताता चलूंगा, क्योंकि कंप्लीट पेपर अगर मैथमेटिक्स के मैं हल करना शुरू करूं तो इस पर तो दो घंटे लगेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं। रेट ऑफ लेवलिंग हमवार करने का रेट ऑफ फील्ड के वो 2.5 है। रेट क्या है? 2.5 पर स्क्वायर मीटर है, और फील्ड जो है ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम शक्ल किस तरह होता है वो बताता हूं, और इसका बेस परस करें, बेसिस दो बेसिस होते हैं उसके, 54 मीटर और 45 मीटर है। अगर उसकी एल्टीट्यूड हाइट वो 36 मीटर है तो टोटल खर्चा कितना आएगा? तो ठीक है, ये देखिए ट्रेपीजियम शक्ल जो होता है वो इस तरह का शक्ल होता है, दिस वन इस तरह, इस तरह का करें, और ये कुछ इस तरह की शक्ल होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी बेस जो है ना यहां पर 54 और 45 मीटर है, और हाइट जो है वो 36 मीटर है। तो एरिया मालूम करने, पहले हम इसका एरिया मालूम करेंगे, फिर उसको रेट से जरब देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो एरिया मालूम करने के लिए इसका हमारे पास फार्मूला है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ऑब्जर्व हाइट। ए प्लस बी जो इसके बेस है, तो यहां पर बेस 45 जरबे 54 करें। ठीक है, मैं हल नहीं करता, आपको बताता हूं, फिर खुद कर लें। 45 और 54 को आप जमा करें, दो पे डिवाइड करें, ए प्लस बी 45 54 को जमा करें, दो पे डिवाइड करें, और उसको 36 से जरब दे दें, उसको 36 से जरब दे दें। इस तरह अगर आप करोगे तो इससे आपको आएगा 1782। अब इसको आपने जरब देना है 2.5 से, 2.5 से आपने जरब दो, क्योंकि 2.5 जो है वो रेट है, तो इसको अगर आप 2.5 से जरब देंगे तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका फार्मूला याद रखे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ए प्लस बी जो, ए और बी जो है वो बेसिस है, एच हाइट जो है वो एल्टीट्यूड है, और दो पे डिवाइड करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 27 ये तो इजी है, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं पेपर में। 27 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहे हैं। अ लेडर ऑफ लेंथ 4 मीटर, लेडर सीढ़ी को कहते हैं, उसकी लेंथ जो है 4 मीटर है। ठीक है, प्लेस ऑफ वॉल और दीवार के साथ लगाई गई है, उसका लेंथ जो है वो हाइट, दीवार की हाइट 2 मीटर है, और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड लोअर एब, वो डिस्टेंस मालूम करना है। तो यहां पर देखे परस कर, ये हमारे पास किसी भी तरफ आप सीढ़ी लगा ले, कोई बात नहीं, ये दीवार है इस, ये 2 मीटर है, इसके साथ ये सीढ़ी जो लगाई गई ये 4 मीटर है। ठीक है, अब इसके दरमियान जो फासिला है इसको मालूम करना है, इस फासिले को मालूम करना है। तो ये हमारे पास अब इजी हो गया, हमारे पास फार्मूला है, ये परस्कर ये साइड सी हो गया, ये जो मर्जी आप लगा ले, इसके साइड जो करें आप, जिस तरह मर्जी करें आप लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए कर लें बी कर लें। ठीक है, मैं सिर्फ आपको फार्मूला बताता हूँ, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर हमारे पास ऑलरेडी ये दिया गया है, ये सीढ़ी का जो लेंथ है वो 4 मीटर है, तो 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 16 इज इक्वल टू, और दूसरा ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर चलो इसको बी स्क्वेयर कर लें, 2 2 4 हो गया, 2 2 4, और प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर क्या डिस्टेंस है, तो ये हो गया बी स्क्वेयर। अब इसी को आपने फाइंड करना है, अब इस तरह करोगे बी इसमें से 4 उस तरफ चला जाएगा, तो बी आ जाएगा, बी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 12, b
पी स्क्वेयर बार आ जाएगा। तो अब 12 इसको स्क्वेयर से निकालना है और 12 का स्क्वेयर रूट निकालना है, तो 12 का स्क्वेयर रूट निकालोगे तो उससे आपका आंसर आएगा 3.5 मीटर। तो ये देखिए, ये 3.5 मीटर है, ये इसका आंसर है। ये 4 इसके साथ गलती से लगा गया, 4 नहीं है, 3.5 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 इज कॉल्ड, 90 जो है ना, आपको ये बताता चलो कि ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता है ये लेस देन 90 एंड सॉरी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 होगा। जो एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 का होता है, अक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 होता है, अक्यूट लेस देन 90, और स्ट्राइट एंगल जो होता है ना वो 180 का बराबर होता है। 180 वाले को स्ट्राइट कहते हैं और 360 वाले को कंप्लीट कहते हैं। इन चीजों को याद रखें, ठीक है। तो आप देखिए लेस देन 90, तो लेस देन 90 जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको अक्यूट एंगल कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। थोड़ी सी जल्दी जल्दी में कभी गलती हो जाती है दोस्तों, तो उसकी माजरत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन, टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो जिनका मजमुआ 180 हो, और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका मजमुआ 90 हो। तो यहां पर ठीक है, तो यहां पर देखिए टू सप्लीमेंट्री एंगल ये वाले हैं, 3x + 5 और 9x - 5। तो अब तो कहते हैं कि हाउ मेनी डिग्री x की वैल्यू का होगी। अब इस दोनों को जमा करें और इक्वल टू 180 करें। इन दोनों को अगर आप जमा करें तो ये आ जाएगा, देखिए 3x और 9x, तो ये 12x आ जाएगा, 3x 9x आ जाएगा, 12x आ जाएगा, 12x। और ये दूसरा देखिए, 5 यहां पर है और 5 यहां पर है, तो 5 और 5 एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा, तो 12x = 180। पावर 180 को आप डिवाइड कर ले 12 पर, 180 को 12 पर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 15 2 9 30, 15 1 5 वो तो 15 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन ए है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, ये तो इजी है, स्टेटिस्टिक के क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेट हो, जिन दोस्तों ने स्टेटिस्टिक नहीं पढ़ा तो उनके लिए मुश्किल होते हैं। द क्लास इंटरवल ऑफ दिस 14 और इसके दरमियान जो फर्क है वो 4 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 जो है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेटा इज यूजुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, एक होता है डेटा, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, तो रॉ फैक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा अनग्रुप मीनिंगलेस ऑन विच वी कैंट टेक डिसीशन, तो ऑप्शन बी अनग्रुप होगा, ठीक है, ये डेटा। और क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसको जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, एक औरत फोटोग्राफ में एक शख्स की तरफ इशारा करते हैं कि इज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंड फादर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ पैराग्राफ। शॉर्टली आपको बताता हूं, एक ये औरत जो है ना अपने भाई की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये उसका भाई सिस्टर होता है, दोनों जो है दोनों का रिश्ता जो है ना ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाता हूं, ठीक है। ये परस कर ये वाला जो है ये औरत है, ये वो लड़का कहते हैं, इसका भाई, तो इसका भाई इसका भी भाई हो गया, ठीक है। तो कहते हैं कि हिज ब्रदर्स फादर, तो उसका बाप भी इसका बाप हो गया, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, तो उसके ग्रैंड फादर भी इसका ग्रैंड फादर हो गया, तो ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, सिस्टर लगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है दिस वन,
The sum of three consecutive odd number is 51. The intermediate number, ये question इस तरह question तो मेरे ख्याल में easy होते हैं और बार बार आ रहे हैं, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसको ऐसा करना है तो पहले परस करें, एक वैल्यू हमारे पास x है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, x प्लस टू होगी और तमाम को जमा करना है तो x प्लस टू और तीसरी वैल्यू x प्लस फोर होगी, x प्लस टू इसको जमा करना है आपने, x प्लस टू और फिर तीसरी वैल्यू जो होगी वो x प्लस फोर होगी और ये बराबर है कहते 51 के, तो इसको जमा करें तो ये देखिए 3x आएगा 3x और ये आ जाएगा 6, ठीक है, तो 6 को 51 इस साइड ले लो, 51 51 से 6 को माइनस करें तो माइनस 6 तो यह जगह 45, तो पहली वैल्यू 3 और 45 को 3 पर डिवाइड करो तो 15, पांच पहली वैल्यू 15 आएगा, दूसरा 17 और तीसरा 19, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या था, मिडिल वाला वैल्यू हमने तीनों निकाले, पहले फर्स्ट वैल्यू भी 15, दूसरा 17 और तीसरा 19 आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन, ए 5 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का मतलब है 5x या 5n जो मर्जी आप लगा लें, 5x को अगर कहते हैं कि उसमें से 8 माइनस करें, इस डिक्रीज बाय 2 सॉरी 2 माइनस करें तो कहते हैं 8 आता है, तो उसका आंसर 8 आएगा, तो नंबर कौन सा होगा, तो ये तो इजी हो गया, अब ये 5x हो गया, ठीक है 5x, तो उसको दूसरी तरफ ले चलो तो वो 8 और 2 10 हो जाएगा, तो 10 को 5 पे डिवाइड करो तो ये आएगा आंसर, इसका सी ऑप्शन सी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो कम से कम दोस्तों आप खुद कर ले, ऑप्शन बी आएगा इसमें से। और क्वेश्चन नंबर 36 जो कहता है ये वाला, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7, अब पहले इसको जमा करें 8 आएगा, फिर 8 को 4 से जरा दे तो 32 आएगा और 32 को 32 के साथ 3 जमा करें तो 35 आएगा, ये तो इजी हो गया। ये याद रखें पहला जो है ना मल्टीप्लीकेशन की अमल होगी, ऐसा नहीं कि 3 और 4 को जमा करें 7 आएगा, ये गलत होगा, अक्सर दोस्त इस तरह करते हैं तो देट विल बी द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आ गया ऑप्शन डी, मेरे ख्याल में देखे 8, 8, 4, 32 और 35 आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 37 जो है, 37 नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, इसके सबसेट मालूम करने का तरीका आसान आपको बताता हूं, ये इनसे कितने हैं, 2 हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 रेस्ट टू पावर 2, अगर ये 3 होते तो 2 रेस्ट टू पावर 3, 4 होते तो 4 रेस्ट टू पावर 2, तो 2 रेस्ट टू पावर 2 = 4, इसका आंसर 4 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 38, नेम द प्रॉपर्टी दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये तो इजी है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, द सिंपल लीनियर इक्वेशन, सिंपल इसमें सिंपल लीनियर इक्वेशन, ये तो इक्वेशन है ही नहीं, ऑप्शन डी जो है ना, दीज आर वैल्यू, इक्वेशन में वेरिएबल लाजिम होगा और ए और बी जो है ना ये सिंपल नहीं है, इसमें पावर 2 है, तो इसमें सिंपल लीनियर इक्वेशन ऑप्शन सी है, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन को देखे, 40 नंबर क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 1, इसको खुद हल करें, ये फैक्टर्स की बात है और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 41 को, 41 नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, द सोल्यूशन ऑफ दिस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू से निकालना, ये 24/4, तो इसको अगर आप हल करें 24/4, माइनस को कंसीडर नहीं करना, तो इसके आगे 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये माइनस 8 आ जाएगा और प्लस को हमने चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसको माइनस को हमने कंसिडर नहीं करना, प्लस 5 आएगा। अब देखिए तो ये प्लस 5 इस, अब यहां पर गलती ना करना, यहां पर ऐसा करना है कि 5 और 6 को जमा करना है,
पांच और छह आएगा ग्यारह, ग्यारह में से आठ माइनस करना है तीन आएगा। अब यहां पर दोस्त कैसे गलती करते हैं, छह में से आठ माइनस कर लेते हैं फिर वो जमा कर लेते, गलती लगता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। द डिग्री, डिग्री मालूम करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू को आपने पावर को करना। अब देखो पावर एक्स स्क्वायर इसकी टू है लेकिन एट एक्स स्क्वायर वाई यहां पर तीन है, एक्स की दो है और वाई का एक है तो ये तीन हो गया, तो हाईएस्ट जो है ना तीन है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 43 देखे, 43 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट ए माइनस, अब इसको इसको स्क्वायर लेना है और इसको फिर हल करना, अब इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो दोस्तों देखिए दोस्तों कैसे हल करते हैं, अब इसको कैसे हल करना है दोस्तों, इसका इजी तरीका तो ये है कि इसका स्क्वायर ले ले पहले, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नाइन स्क्वायर, फिर इसमें से वैल्यू तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, माइनस टू ए बी आएगा, उनमें वैल्यू फुट करें तो ये तो मेरे ख्याल में इजी है, आप खुद कर लें। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको आंसर आएगा 87। और आखिरी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, जल्दी से खत्म हो गया शुक्र है। 44 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट पहले को कहता है, इसका आंसर आंसर वन है कोएफिशिएंट ऑप्शन वन। अब जनरल साइंस के क्वेश्चन है, इजी है, जल्दी जल्दी इसको तो गो थ्रो करते हैं दोस्तों। स्नेक्स क्या है, स्नेक इज एन, स्नेक्स जो है दोस्तों ये वर्टिब्रेट भी है और रेप्टाइल जो है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर, 47 में क्वेश्चन के विच ऑफ दीज सेंसेस, ये क्वेश्चन पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्वेश्चन है कि फाइव सेंसेस में से कम कौन सा सेंस सबसे लीस्ट डेवलप है। इसको इसका मैंने आज दो अपने व्यूवर्स को कहा था कि इसका आंसर तो कोई भी एक जैसा आंसर किसी तरफ से नहीं आया है, इसको मजीद अगर आप सर्च कर लें तो कर लें खुद, अदरवाइज स्किप कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बैक्टीरिया हैज एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग, रिप्लिकेटिंग बनाना, अपने आप को कॉपी बनाना कहते हैं, कहते हैं, तो इसमें जो है प्लाज्माइड है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 47 जो है, 49 नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों, गोल्डन राइस इज अ जीएमओ क्रॉप विच फुलफिल द नीड, ये विटामिन ए करता है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, विटामिन ए इसमें बहुत ज्यादा होती है। और क्वेश्चन नंबर देखे 50 को देखे, 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एज कंपेयर टू प्लांट सेल एनिमल सेल इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ, ये ऑप्शन ए जो है ना मेनी स्मॉल वैक्यूल, ये स्मॉल वैक्यूल प्लांट में भी होता, एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और प्लांट में वो, लेकिन वो लार्ज होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इन ह्यूमन बींग्स चांसेस ऑफ हार्ट अटैक कैन बी प्रेजेंटेड प्रिवेंटेड, हार्ट अटैक से बचने के लिए आपने क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 52 देखे, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में पर परिकार्प कहां पर होता है, ये आउटर वॉल में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 53, बेसिक लाइफ फंक्शन रेगुलेटेड बाय मिडोल्टो ओब्लोंगेटा जो है ना, ये ओब्लोंगेटा इज इसमें ऑप्शन हार्ट बीट है, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, 54 नंबर, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बाइसाइकिल, बाइसाइकिल में गियर व्हील पुलिस तमाम होते हैं, ये ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 55 देखे, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी जेनरेटेड फ्रॉम, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी जेनरेटेड फ्रॉम विंड, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 56 देखे, 56 फॉर रिस्पायरेशन पर्पज डीप सी डाइवर्ट्स, डाइवर्स
ये डाइवर्स नहीं होनी चाहिए, गोताखोर सी डाइवर गोताखोर, ठीक है। तो ये इसको करेक्शन कर लें, मैं यूज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस मोस्ट कंटेन ऑक्सीजन, उसमें ज्यादातर होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 57, परफॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम एटम हैज टू, कैल्शियम हैज टू लॉस टू इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन सी है। एंड 58 नंबर क्वेश्चन को देखें, कोस्टल ब्रीज इज जनरली प्रोड्यूस बाय, कोस्टल ब्रीज इज जनरली प्रोड्यूस बाय कन्वेक्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 59 देखें, लाउडनेस ऑफ साउंड ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन, लाउडनेस ऑफ साउंड ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 60, इलेक्ट्रिक बेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अर्थिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन डी है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि सॉल्यूशंस इन विच वाटर इज यूज ए सॉल्वेंट आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड इक्वियस सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है। एंड क्वेश्चन नंबर 62, यूजिंग मल्टीपल पुलीज वी कैन चेंज डायरेक्शन एन अमाउंट ऑफ फोर्स, ऑप्शन डी लगेगा इसमें, ऑप्शन डी लगेगा। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 63 कहते हैं कि थ्री मेन काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन आर, 63 थ्री मेन काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर वाटर एंड लैंड, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, 63 ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 64 देखे, इन द फॉलोइंग फिगर आर शोन, अब वो फिगर जो है ना इस वक्त तो फिगर आपको दिखाता हूं, उसमें फिगर देखे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के हुए, जिस तरह वो हवा में वो पैकेजे लगे है ना, उस तरह का फिगर था। अब टाइम लगेगा फिगर को ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढ नहीं सकता, ऑप्शन सी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 देखे, 65 फॉलोइंग आर नॉन लूमिनर ऑब्जेक्ट्स, लूमिनस ऑब्जेक्ट, लूमिनर नहीं लूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ये इसमें ऑप्शन सी है, ये अर्थ मून और इलेक्ट्रिक आयरन। क्वेश्चन नंबर 66 कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू मून्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू मून्स, ऑप्शन ए में मार्स में टू मून्स है। अब आते हैं सोशल स्टडीज की तरफ और ये आखिरी पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ पाकिस्तान इज नॉट इंक्लूडिंग हॉटेस्ट आर्टिस्ट, डेर इस्माइल खान में जो है ना ये आर्टिस्ट एरिया में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन को, 72 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 73 जो देखे, 73 रबी क्रॉप्स में वीट बार्ले ग्रेम गंदम स्पेशली जो होते हैं ना उसकी कटाई हम अप्रैल मई में करते हैं, तो अप्रैल मई का सीजन आई थिंक स्प्रिंग का होता है, इसको जरा चेक करें, स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। ये रबी और खरीफ क्रॉप्स कब बोते हैं, किस महीनों में बोते हैं, किस सीजन में बोते हैं, काटते कब हैं, ये तमाम चीजें याद रखें। द लेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन बी। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 75 जो है ना, 75 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, सिंध वॉज डिक्लेयर एज एन इंडिपेंडेंट प्रोविंस, ये 1935 एक्ट के जरिए, ऑप्शन डी है। और 76 नंबर क्वेश्चन, द वीकली जर्नल अंडर द टाइटल ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट वॉज पब्लिश 1866 विद एफर्ट्स ऑफ, किसके एफर्ट से हुआ था, सर सैयद अहमद खान थे। और 77 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लखनऊ फैक्ट द टोटल मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ लार्ज प्रोविंसेस वुड बी 125, ऑप्शन सी है।
और क्वेश्चन नंबर 70 है, जिना गांधी टाक वार हेड इन बॉम्बे में हुए थे, जिना गांधी के टाक्स बॉम्बे में हुए थे, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 79 है कि नहीं, देखते हैं 79 देखें। मोइनुद्दीनों इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट लड़काना में है। और आखिरी आर्टी नंबर द थ्री मेन काइंड ऑफ पोल्यूशन, ये दोबारा लिखा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें बाकी क्वेश्चन जो है वो पेडागॉजी के हैं, पेडागॉजी को हम स्किप कर लेते हैं क्योंकि पेडागॉजी फॉर अब इंक्लूड नहीं है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट वीडियो, इसके बाद भी इंशाल्लाह ताला इस तरह कंप्लीट वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, लेकिन आपने मेरे साथ रहना है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद है, समझ गए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।